सुखदेव भगवान की। योग योगेश्वर महापुर रामराज योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणदार शस्त्र स्वामी देवदयाल महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार को। गुरु की कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए हम सत्संग आरंभ करते हैं। और पिछले लास्ट सत्संग में हमने महाराज जी के श्री चरणों से लिखी पुस्तक वैराग दर्पण, वैराग दर्पण का मतलब एक वैराग भाव में अपने मन को ले जाना और उस वैराग भाव से ही प्रभु को पाना, कैसे हम वैराग भाव से भगवान को गुरु को पा सकते हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन इस पुस्तक में है। वैराग दर्पण नाम का पुस्तक है और जिस पुस्तक को हमारे गुरुदेव ने योग योगेश्वर प्राणाधार सत्स्वरूप देवीदयाल जी भगवान ने उस पुस्तक को लिखी है और बहुत ही गूढ़ हिंदी है इसमें, फिर भी कोशिश करते हैं उसको सरल भाषा करके उसको समझे। महाराज जी फरमाते हैं कि जब मैं चरण में आया गुरुदेव ने मुझे अभ्यास सिखाया, कहते गुरु की आज्ञा के पालन करते हुए मैं दिन रात अभ्यास में रहता था, सेवा में रहता था, दो ही काम थे, सेवा सेवा के बाद जैसे समय मिला अभ्यास, तीन तीन घंटे का अभ्यास महाराज जी नित प्रति करते थे। और अभ्यास करने के लिए महाराज जी जंगलों में चले जाते थे, अभ्यास करने के बाद महाराज जी के शरीर में इतनी दिव्यता आती थी, महाराज जी फरमाते कि हम आकाश में उड़ जाते थे, कई देर तक आकाश में उड़कर वापस अपने शरीर में प्रवेश करके घर में आ जाते थे। कहते उस अभ्यास के फलस्वरूप हमारी विचंबरा प्रज्ञा जाग गई, गुरुदेव के मन में जो आता था हमें पता चल जाता था, गुरुदेव जो सेवा जैसे चाहते थे हमारे द्वारा ऐसे ही होता था। क्योंकि जब अभ्यास करते करते शिष्य की वृत्तियां गुरुदेव के स्वरूप में लय हो जाती है तब शिष्य के अंदर विचंबरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है, गुरुदेव के अथाह कृपा बरसती। महाराज जी ने वो सभी कृपाएं से पाई। हरे परमात्मा के सुनिए अभ्यास करते करते हमारे मन में विराग आ गया, विराग आते हम गुरु के प्रेम में दीवाने हो गए और गुरु के प्रेम में जैसे दीवाने होते चले गए उतनी गुरु की कृपा हम पर बरसती गई और अंत में गुरु ने हमें अपने स्वरूप में अभेद कर लिया। वो तो बाहरी रूप से, अंदर रूप से तो महाराज जी की शक्ति बाप रामलाल जी लखराज प्रभु जी महाराज जी की जो जो गुरु शक्ति है एक ही है, कोई अंतर नहीं। जो कार्य रामलाल प्रभु जी ने गुरु शक्ति से किया वही कार्य लखराज प्रभु जी ने गुरु शक्ति से किया, वही कार्य हमारे गुरुदेव ने गुरु शक्ति से किया। तो महाराज जी ने जब ये अभ्यास करते करते विराग अवस्था को प्राप्त किया तब महाराज जी ने विराग नाम का विराग दर्पण नाम की ये पुस्तक लिखी है। इसमें कुछ दोहे और चपाई के ऊपर सत्संग पिछले सत्संग में चला था, आज इसके आगे चलते हैं। एक दोहा आता है, हरी कृपा जो हुई तो नहीं हो तो नहीं, पर गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बही जाए। कहते हरि आप पर कृपा करे तो करे, नहीं करे तो ना करे, परंतु गुरु की कृपा के बिना शिष्य का कल्याण संभव नहीं। गुरु की कृपा के बिना
शिष्य के अंदर विदम्बर प्रज्ञा बुद्धि जागृत नहीं हो सकती। गुरु की कृपा के बिना शिष्य की बुद्धि शुद्ध पवित्र ईश्वरीय नहीं हो सकती। आगे महाराज जी फरमाते हैं चौपाई में, राम तजु पर गुरु ना बिसारु। कहते राम को तज दू, राम मिले ना मिले कोई चिंता नहीं, राम को याद करूं ना करूं कोई चिंता नहीं, परंतु गुरु ना बिसारू, गुरु को कभी भूलू नहीं, गुरु के सम हरि को ना निहारू, गुरु के बराबर में हरि को भी ना निहारू। मेरे लिए तो गुरु ही सब कुछ है, गुरु से बढ़ के हरि नहीं है। तभी कबीर ने कहा, कबीरा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, हरि गुरु अपने दिन गोविंद ही मिलाए। गोविंद कौन है? हमारे अंदर की सोई हुई विशेष शक्तियां है, शक्तियों को जगाना ही गोविंद को पाना है। शक्तियों को कौन जगाते हैं? गुरु जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? हमारे अंदर की अहंकार को खत्म करते गुरु, हमारे अंदर की मोह ममता को गुरु खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमारे अंदर ज्ञान की जोत जगाते हैं, भक्ति की जोत जगाते हैं, श्रद्धा प्रेम की जोत जगाते हैं, और तभी हमारे अंदर ईश्वर शक्तियां प्रकट हो जाती है। आगे महाराज फरमाते हैं, देखो भाई गुरु के सम नहीं हरि को ना निहारू, इसके जवाब में महाराज क्या फरमाते हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, भगवान ने संसार में हमें जन्म दे दिया, गुरु ने आवागमन छुटा ही, हरि ने तो हमें जन्म भी दे दिया मृत्यु भी दे दिया, बार बार भेजते संसार में, फिर हम चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, ये काम कौन करता है? हरि करते हैं। परंतु गुरु ने 84 के चक्कर से हमें मुक्त कर दिया। आगे है, हरि ने 5 चोर दिए साता, हरि ने हमारे जीव के अंदर 5 चोर दे दिए, क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 डाकू दे दिए। किसने दिए? हरि ने दिए। आत्मा को हरि ने शरीर के अंदर प्रवेश कर दिया, शरीर अन्न खाता है, शरीर संसार में रहता है, अन्न के कारण संसार में विचरण करने के कारण जीव के अंदर 5 चोर आ जाते हैं, जो लूटते रहते जीव को, कौन कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। गुरु ने ले छुड़ाई आना था, गुरु ने हमारे अंदर से 5 डाकू को निकाल दिया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने क्या करा? कुटुंब जाल में फैला दिया, हमें फंसा दिया, कुटुंब जाल में फंसा दिया, ये तेरा माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, ये तेरा है, मेरा है, ये सब कुछ किसने दिया? हरि ने दिया। परंतु गुरु ने काटी ममता मेरी, मेरी ममता को वो अंधकार को किसने काटा? गुरु ने काटा। हरि ने रोग भोग उलझाई, हरि ने हमारे अंदर रोग भी दे दिया भोग भी दे दिया, आंखों का भोग कर ले, जबान का भोग कर ले, कानों का कर ले, हाथों का कर ले, पैरों का कर ले, जो मर्जी भोग कर ले, परंतु गुरु योगी करी सभी छुड़ाई। गुरु योगी बनकर इन सभी रोग भोगों को हमारे अंदर से छुड़ा दिए, हमें योग साधना सिखलाकर रोग और भोग दोनों समाप्त कर दिया गुरु। हरि ने कर्म मरम भरमायो, हरि ने कहा कर्म कर फल भुगत, कर्म और फल दोनों दे दिए। गुरु ने आत्म रूप लगायो, गुरु ने हमें आत्मा का रूप बना दिया, गुरु ने हमें आत्मा का दर्शन करा दिया और अकर्ता भाव से कर्म करना सिखाया।
निष्काम कर्म सिखाया। कर्म फल को भोगने से गुरु ने हमें बचा दिया। जब जीव को आत्मा का दर्शन हो जाता है, जीव को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो जीव करता हुआ भी अकर्ता है। योग की अवस्था, भरत जी फरमाते थे योगी देखता भी नहीं देखता, खाता भी नहीं खाता, बोलता भी नहीं बोलता। योगी कोई भी कर्म करता हो भी अकर्ता भाव से रहता है, क्योंकि उसका मन इंद्रिया उसकी आत्मा में स्थित रहती है। जब ये मन इंद्रिया शरीर में होता है, कर्ता भाव आता है, अहम जान जाता है। जैसे मन इंद्रिया आत्मा में स्थित हो जाती है, कर्ता भाव खत्म हो जाता है, यानी कि अहम खत्म हो जाता है। अहम जहां खत्म हुआ, हम कर्म फलों से बच गए। जहां अहम आ गया, मैंने किया है, मैं करता हूं, मेरे द्वारा होता है, वह हम कर्म बंधन में फंस गए। ये ज्ञान कौन देता है, बोध कौन कराता है? ज्ञान बोध गुरु कराते हैं। हरि ने मोसु आप छिपायो, हरि अंदर है पर हमें दिखाई नहीं देते। अंदर बैठ के भी उसने अपने आप को हमसे छुपा रखा है। गुरु कृपा कर ताही दिखाइए। गुरु ने कृपा करके हमें हमारे अंदर बैठे हुए हरि के दर्शन करा दिए। फिर हरि बंद 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 मुक्तिगत लाए। हरि बंद मुक्तिगत, हरि ने हमारे बंधन छुड़ा दिए मुक्तिगत। हरि फिर हरि बंद मुक्तिगत लाए। हरि ने हमें बंधन और मुक्ति के जाल में फंसा दिए। काम करो, बंधन मुक्त हो जाओ। परंतु गुरु ने सभी भ्रम मिटाए। हरि ने बार बार हमें बंधन में भी डाल दिया, मुक्ति भी कर दिया। कर्म फल भुगने के लिए हमें कर्मों के साथ अटैच कर दिया, बंधन युक्त कर दिया। गुरु ने हमें हमारे भ्रम मिटा दिए। कैसे मिटा दिए? गुरु ने बताया बेटा तुम करता नहीं हो, निष्ठा बन के रहो संसार में, करता कोई और है। तुम्हारे अंदर जो आत्म शक्ति रहती है, करता वो है। वो आत्म शक्ति क्या है? परमात्मा का अविनाशी अंश है। जहां कर्तापन खत्म हो गया, हमारा भ्रम हम करते हैं, भ्रम हमारा मिट गया कि कौन करता है, गुरु करता है। आगे बारा जी क्या फरमाते हैं, मुलकराज पर तनमन वारू। मुलकराज प्रभु जी बारा जी के गुरु हुए, उन्होंने रामलाल प्रभु जी के दर्शन उन्हीं के अंदर किए। उसी प्रकार हमें बारा जी के अंदर दोनों भगवान के दर्शन करना चाहिए। हमारे लिए बारा जी बढ़ के कोई नहीं है, बारा जी के अंदर ही मुलकराज प्रभु जी को देखो, इन्हीं के अंदर रामलाल प्रभु जी को देखो। मुलकराज पर तन मन वारू, तन मन सब मुलकराज प्रभु जी पे समर्पित है। गुरु ना तजू हरि को तज दारू, गुरु ना तजू परंतु मैं बेश हरि जाए तो जाए, मेरे से मेरे गुरु ना जाए। आगे दोहा महाराज जी फरमाते हैं सब पर बस सही करूं खोल समुद्र में जाए। फरमाते पर्वत का पर्वत को मैं समुद्र में पर्वत का शाही बनाकर समुद्र में घोल दू। ठीक है, धरती का कागज करूं, फिर धरती का मैं कागज कर दू। गुरु स्तुति न सके परंतु फिर भी गुरु की स्तुति इतनी महान है, स्तुति का हम पार नहीं पा सकते। आगे गुरु की चौपाई, गुरु की स्तुति कह लो कीजिए, बदला कहा गुरु को दीजिए। गुरु की स्तुति कहां तक करोगे? हम लोग गुरु का कर्जा को उतार नहीं सकते, गुरु का दिया को हम इसका पार नहीं पा सकते कभी भी। इसलिए गुरु के चरणों में हमें हमेशा शुक्राना शुक्राना करना चाहिए। गुरु तेरा शुक्राना,
गुरु जो हम पे एहसान करते हैं हम उसका बदला चुका नहीं सकते। तो गाया तेरे एहसान का बदला हम कभी चुका नहीं सकते, जो तूने दिया उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। गुरु का बदला या ना जाए मन में उपजे तू सकुचाए, गुरु का बदला दे नहीं सकते। मन में ऐसे भाव आ भी जाए बहुत हम में संकोच आता है, अब गुरु का बदला कैसे दे सकते। गुरु का तो एहसान पे अथाह है, अंत नहीं बेअंत है। मैं तो 20 साल की उम्र से लेकर आज तक हर पल हर घड़ी गुरु की कृपा को अद्भुत करती हूँ, केवल मेरे जीवन में नहीं सब भक्तों के जीवन में। हर एक कल अरे भक्त गुरु की कृपा को महसूस करते हैं और हरे भक्त अगर अपने जीवन की गाथा लिखने लगे बड़े बड़े ग्रंथ हो जाए प्रत्येक भगत के साथ, क्योंकि जो भगत गुरु के चरणों में समर्पित है प्रेमपूर्ण भावपूर्ण उस पर अवश्य गुरु की कृपा बरसती है। इस प्रकार मैं सोचती हूँ हर एक भगत के जीवन में इतनी घटनाएं हैं लिखने बैठे एक एक ग्रंथ बन जाए ऐसे गुरु। इसीलिए गुरु के एहसान हम कहां तक करें, इन नैनन जिन प्रभु दर्शाए बंधन कोटि कोटि मुकलाए, जिन गुरु ने इन नैनों में प्रभु जी के दर्शन करा दिए और हमारे कोटि जन्मों के जिन्होंने बंधन काट दिए, अभेदा दीनन को दिए देखत आप तरीके के लिए, दुखियों को दीनों को शरण में आने वालों को देव ने अभय दान दे दिया, ऐरहित कर दिया और देखते देखते अपने शिष्य को अपना रूप दे दिया, अपना शरीर के बना दिया। ऐसे गुरु कहाँ होंगे संसार में, ऐसे गुरु अति विरले। गुरु की कृपा अपरम पारे, भगवान कहते हैं गुरुदेव फरमाते हैं गुरु की कृपा अपरंपार पार नहीं पा सकता, गुण गावत मम रसना हारे। महाराज जी फरमाते कि गुरु की कृपा को गाते गाते गुरु के गुणों को गाते गाते मेरे रसना मेरी वाणी थक जाती है हार जाती है, परंतु गुरु की कृपा का मैं कोई अंत नहीं पाता पा सकता। आगे महाराज जी फरमाते हैं शेष शेष मुख निश्चिन गावे, शेष शारदा शेष मुख से निश्चिन गुरु की महिमा गाते हैं, गुरु स्थिति का अंत ना पाओ फिर भी गुरु की स्तुति करते करते उसका कोई अंत नहीं पा सकते। मौन कहूं स्तुति का करूं, महाराज जी फरमाते हैं अब मैं तो मौन हो गया क्या क्या स्तुति कहूं, गाते गाते मेरी वाणी मौन हो गई, बार बार चरणनन शीश धरू। देवता महाराज फरमाते ऐसे गुरु की स्तुति करते करते मौन हो जाता हूं और बार बार अपना शीश गुरु के चरणों में हरता रहूं, ऐसे मेरे अंदर भाव आते हैं। तुलकराज महिमा अधिकारी देवीधर महाराज जी फरमाते हैं तुलकराज प्रभु जी की महिमा का कोई अंत नहीं, अत्यंत महिमा है अपरंपार महिमा है। सर्वज सवारे दयाल मन आई, दयाला मेरे मन में क्या आ गया मैं सब कुछ उनके चरणों में वार दू, तन मन धन सब कुछ उनके चरणों में नछावर कर दू। ऐसा आओ रजी अपने गुरुदेव लगराज भोज के चरणों में रखते हैं, देखो कितना
अनुभव है हमारे इतना है, अपने गुरुदेव प्रति, तभी तो महाराज जी भगवान बन गए, हमारा नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए जो हमारे गुरु के अंदर गुण है, गुणों का हम अपनाए। गुरु ने जिस भाव से तुलसीनाथ प्रभु जी का योग का नाम का प्रचार प्रसार किया, हमें भी ऐसा करना चाहिए, तभी हम भक्त हैं। भक्त वही है जो स्वामी को मुख रख के चलता है, जो स्वामी की स्तुति गाता है, संसार में अपने आप को पीछे हटके रख के स्वामी का नाम का प्रचार करते हैं। वो गुरुदेव भगवान का असली भक्त है। इस बार गुरु पूजा में महाराज जी ने यही कहलवाया मुझसे कि आप लोग इस शरीर से अटैच मत रहो, ये शरीर गुरु का दिया हुआ है, तो आत्मा गुरु की बख्शी, जो भंडार है, जो देने के स्रोत है, उनकी पूजा करो, उनके चरण में शीश नाओ, उनसे आशीर्वाद लो, उनकी महिमा गाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसा ही करा भक्तों ने, बहुत आनंद आया। एक ही बात भक्तों ने सही, सब भक्तों ने गुरुदेव को तिलक करा, पत्ता टेका, गुरुदेव से भर गया आशीर्वाद, सब आनंद में आए। ऐसे अलौकिक माहौल वहां बना, इतना आनंद था मैं बता नहीं सकती, कोई विपरीत विचार था ही नहीं। सब जैसे नदी एक ही भाव में बहती है, कल कल करती हुई, इतना सुख मिलता है देख के, आनंद मिलता है। इसी प्रकार सभी भक्त एक ही भाव में चल रहे थे, गुरु का प्रेम, गुरु की चरण, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु की महिमा गाना, ऐसा एक दिव्य माहौल बन गया था। परंतु बहुत दुख की बात है कि सेम डे जो महाराज जी ने आश्रम मनाए, उन आश्रमों में भी गुरु पूजा मनाई गई। ये महाराज जी की आज्ञा का उल्लंघन है। महाराज जी ने फरमाया था तिथि वाले दिन सब भगत गुरु पूजा द्वार में करेंगे। गुरु पूजा के निमित्त आप अगला संडे रख लो अपने आश्रमों में, एतवार रख लो, करो आश्रमों में लोकल फंक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं। गुरु के नाम की पूजा, उनके नाम की स्तुति, उनके नाम का भंडारा हर भगत होना चाहिए, हर संडे होना चाहिए। परंतु तिथि है, आप बताओ रामनवमी सिवा हरिद्वार के कोई आश्रम मनाता है? नहीं मनाता है, गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। क्यों गुरु पूजा, गुरु पूजा क्यों मनाते हैं? तिथि वाले दिन क्यों आश्रमों में मनाते हैं? उस उपलक्ष्य में संडे को मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तिथि वाले दिन सब भगत को द्वारा